एक बड़े से रूम में एक लड़की सो रही थी कि तभी उसे किसी की रोने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर वो लड़की अपनी आंखें खोल देती है और जब वो उठकर इधर उधर देखती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता, जिसके बाद वो लड़की एक बार फिर सो जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे फिर किसी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस बार रोने की नहीं बल्कि हंसने की आवाज आती है। अब जैसी वो लड़की अपनी आंखें खोलती है वैसे उसे खिड़की पर एक साया नजर आता है। उस साया को देख वो लड़की थोड़ी हैरान होती है, लेकिन खिड़की के पास किसका साया था बस यही देखने के लिए वो लड़की उस साये के करीब जाती है। जैसे ही वो खिड़की के करीब जाती है वैसे ही वो साया एक भयानक चुड़ैल में बदल जाता है। उस चुड़ैल को देख वो लड़की जोर से चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। आसपास सन्नाटा था और तभी वो चुड़ैल अपनी आंखें लाल करती है और अचानक ही उसे जिंदा जलाकर मार देती है। मैं यहाँ किसी को नहीं रहने दूंगी, यहाँ जो भी आएगा मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगी, क्योंकि यहाँ मेरे और उसके अलावा और कोई नहीं रह सकता। जो भी मेरे और उसके बीच में आएगा वह मारा जाएगा। ये कहानी है समीर और रुबीना की। समीर और रुबीना की अभी हाल में शादी हुई थी और उन्होंने हनीमून के लिए राजस्थान के एक रिसोर्ट में जाने का प्लान बनाया था। इसलिए रुबीना ने राजस्थान के एक रिसोर्ट में पहले ही अपने पति और खुद के लिए एक बड़ा सा रूम बुक कर लिया था। समीर और रुबीना अभी रास्ते में ही थे तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है। उस खराब मौसम में रुबीना और समीर अपनी गाड़ी को आगे ले जाना सही नहीं समझते और रोड के एक साइड वो अपनी गाड़ी रोक देते हैं। बारिश काफी तेज हो रही थी। समीर, बारिश काफी तेज हो रही है और इस बारिश में भला हम रिसोर्ट तक कैसे पहुंचेंगे? हाँ रुबीना, यहाँ का तो रास्ता भी ठीक नहीं लग रहा, मुझे जगह जगह पर गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। अगर गाड़ी फंस गई ना तो फिर हम भी यहीं फंस जाएंगे। लेकिन समीर, हम यहाँ ज्यादा देर तक भी तो नहीं रुक सकते। देखो ना, चारों तरफ जंगल है, यहाँ आसपास कुछ नहीं है, इसलिए हमें थोड़ी हिम्मत करके अपनी गाड़ी को रिसोर्ट तक ले जाना ही पड़ेगा। समीर जैसे ही गाड़ी चलाता है कि तभी एक तूफान आता है और उसकी गाड़ी के सामने एक बड़ा सा पेड़ उतर जाता है। समीर गाड़ी से उतरकर उस पेड़ को साइड करने की कोशिश करता है। समीर उस पेड़ को हटाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे आवाज दे रहा है। उस आवाज को सुनकर समीर अचानक पीछे पलटता है, लेकिन उसके पीछे सिवाय जंगल के कुछ और नहीं था। तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ आता है और समीर अचानक डर के पीछे मुड़ता है, जहां वो रुबीना को देखता है। रुबीना को देख समीर एक लंबी सांस भरता है। रुबीना, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे, इतनी भारी बारिश में बाहर निकलने की क्या जरूरत थी? इस पेड़ को हटाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जिस रिसोर्ट में जाने वाले है ना, इस कच्चे रास्ते के जरिए ही हम उस रिसोर्ट तक जल्दी पहुँच जाएंगे। तुम्हें तो यहाँ के रास्तों के बारे में बहुत कुछ पता है। खैर, जो भी है, चलो चलकर गाड़ी में बैठो, हम इसी रास्ते से अपने रिसोर्ट की तरफ जाते हैं। समीर जैसे ही दरवाजा खोलने जाता है वो देखता है कि रुबीना गाड़ी में पहले से ही बैठी हुई है। उसके आसपास खाली सड़क और पेड़ पौधों के अलावा कुछ और नहीं था। समीर अब गाड़ी में बैठता है और रुबीना से कहता है, रुबीना तुम तो बहुत तेज हो, अभी तुम मुझे रास्ता बताने के लिए मेरे साथ थी और मेरी नजर हटी नहीं कि तुम तुरंत गाड़ी में बैठ गई। ये कैसे बकवास कर रहे हो तुम समीर, भला मैं बाहर क्यों जाऊंगी, मैं तो कब से गाड़ी में ही बैठी हुई हूँ। रुबीना की बात सुनकर समीर चुप हो जाता है, लेकिन जब रुबीना गाड़ी में बैठी थी तो बाहर समीर के साथ कौन था और उसने उस कच्चे रास्ते के बारे में क्यों बताया? इन सबको समीर इग्नोर करता है और उस कच्चे रास्ते पर निकल पड़ता है। उस कच्चे रास्ते के जरिए समीर बहुत जल्द रिसोर्ट में पहुंच जाता है। रिसोर्ट में जाते ही समीर के कानों तक कुछ आवाज आने लगी थी, जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा हो। उस आवाज को सुन मानो समीर के कानों से खून निकलने वाला था। समीर अब अपने कानों पर हाथ रखता है और जोर से चिल्लाता है, इन आवाजों को बंद करो, कौन है जो इतने दर्द में चिल्ला रहा है? समीर, तुम्हें क्या हुआ, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? रुबीना, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ कोई दर्द में चिल्ला रहा है। ये तुम्हारा वहम है, इतनी देर से तुम गाड़ी चला रहे हो ना, इसलिए तुम्हें भ्रम हुआ है। तुम काफी थक गए हो ना, थोड़ी देर रेस्ट करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। रुबीना की बात सुनकर समीर पहुंच जाता है रुबीना के साथ अपने कमरे में। वो कमरा काफी बड़ा था,
रुबीना बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है, लेकिन समीर जो सिर्फ कमरे को ही निहार रहा था, उसकी नजर खिड़की पर जाती है कि तभी उसे खिड़की पर कोई नजर आता है। उसका चेहरा क्लियर नहीं था, लेकिन उसके शरीर पर बड़े बड़े छाले थे, मानो उसको किसी ने जलाकर मारा हो। ये देख समीर बेहद डर जाता है। देखने से साफ पता चल रहा था वो ना तो कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर, वो एक साया था। वो साया समीर के करीब आ रहा था कि इतने में रुबीना बाथरूम का दरवाजा खोल समीर के पास आ जाती है। क्या हुआ समीर, मैं कब से देख रही हूँ, हम जब से यहाँ आए हैं तब से तुम अजीब व्यवहार कर रहे हो, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? रुबीना, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, मतलब जब से हम यहाँ पे आए हैं मुझे कुछ न कुछ या तो दिख रहा है या फिर सुनाई दे रहा है। समीर, ये तुम्हारा भ्रम है, जाओ तुम नहा लो, क्या पता नहाने के बाद थोड़ा तुम्हारा थकान दूर हो जाए। अब समीर रुबीना की बात सुनकर बाथरूम में नहाने के लिए चला जाता है। वो गर्म पानी का शावर ले रहा था, लेकिन धीरे धीरे उस पानी का तापमान बढ़ता ही जाता है। उस पानी से समीर का शरीर हल्का जल जाता है, उसका शरीर लाल पड़ जाता है। समीर के मुंह से चीख निकल जाती है। चीख को सुनकर रुबीना तुरंत बाथरूम में आती है। ये क्या हुआ, तुमने गीजर का टेम्परेचर कम नहीं किया था क्या? मुझे नहीं पता, मैं नॉर्मल टेम्परेचर पर ही नहा रहा था, लेकिन ये टेम्परेचर बढ़ा कैसे मैं नहीं जानता। समीर का ऐसा बर्ताव देख रुबीना को लगता है कि शायद समीर थक चुका है, इसलिए वो समीर की बातों का कोई जवाब नहीं देती और उसको बाहर ले जाती है। रुबीना समीर के कंधे पर क्रीम लगाती है और उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। वो दोनों सो ही रहे थे कि तभी समीर के गालों पर किसी का हाथ आता है। वो हाथ कोई मामूली हाथ नहीं बल्कि किसी के जले हुए हाथ थे। उस हाथ पर बड़े बड़े छाले थे। वो हाथ समीर के गालों को सहला रहे थे। पहले तो समीर को लगता है कि रुबीना उसके साथ छेड़छाड़ कर रही है। क्या रुबीना, ये कौन सा टाइम है मुझे परेशान करने का? समीर ये बात बोलता है, लेकिन उसके बाद भी वो हाथ उसके गालों से नहीं हटता और वो हाथ अब काफी तेज समीर के गालों को सहलाने लगता है। उस हाथ से अब समीर के गाल पर निशान बन जाते हैं। समीर को अब दर्द होने लगता है और वो गुस्से में उठकर रुबीना पर चिल्लाता है। यार रुबीना, हद करती हो तुम, मैंने तुम्हें कहा ना कि इतनी रात को। अगर रुबीना यहाँ सो रही है तो मेरे गालों पर हाथ कौन सहला रहा था? समीर ये बात बोल ही रहा था कि तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है, जहाँ वो देखता है कि एक काला साया जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे, उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी। वो समीर को इशारों में अपने पास बुला रही थी। उसको देख समीर की चीख निकल जाती है और वो डरते हुए रुबीना को उठाता है। रुबीना, रुबीना देखो उधर कुछ है। कहाँ पर समीर? रुबीना उधर खिड़की के पास देखो, उधर कोई है। कुछ नहीं है वहाँ पर, सो जाओ, मैं हूँ ना आपके साथ। रुबीना की बात सुनकर अब समीर को भी लगता है कि शायद ये उसका भ्रम होगा और वो सो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद समीर के शरीर पर से चादर अपने आप हटने लगती है। ये देख समीर काफी डरता है और एक बार फिर रुबीना को उठाता है। रुबीना, रुबीना तुम मानो या ना मानो, पर जब से हम यहाँ पर आए हैं हमारे साथ कुछ न कुछ अजीब हो रहा है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो हम सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे। देखो अभी यहाँ से जाना बेवकूफी है, बाहर बारिश भी हो रही है और रात भी काफी हो रही है, इसलिए आज की रात गुजार लेते हैं, सुबह हम कहीं और के लिए निकल जाएंगे। लेकिन रुबीना, मैंने कहा ना सुबह हम निकल जाएंगे, और यहाँ कुछ नहीं है, सच में ये तुम्हारा भ्रम है, भ्रम, तुम ज्यादा सोच रहे हो। देखो मेरे गाल, अगर ये भ्रम होता तो क्या मेरे गाल पर निशान होते हैं? नहीं ना। समीर के गालों पर निशान देखकर अब रुबीना को भी लगने लगा था कि कुछ तो है यहाँ जो उन्हें परेशान कर रहा है। समीर तुम्हारे गालों पर बहुत गहरे निशान है, चलो समीर यहाँ से। रुबीना और समीर अपना बैग उठाकर अपने कमरे से बाहर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी उसके सामने वही परछाई आ जाती है। अब धीरे धीरे उस परछाई का चेहरा क्लियर होता है। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, हाथों पर बड़े बड़े छाले थे। उन छालों को देख साफ पता चल रहा था जैसे किसी ने उसे जलाकर मार दिया हो। तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो समीर? चुड़ैल के मुंह से ऐसी बात सुनकर रुबीना और समीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। कौन हो तुम और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? मुझे तुम्हारा नाम ही नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम यहाँ अपना हनीमून बनाने आए हो ना?
तुम्हारी बीवी रुबीना ने तुम दोनों के लिए इस रिसॉर्ट का सबसे बड़ा कमरा बुक किया है, लेकिन तुम लोग ये नहीं जानते कि ये कमरा इस रिसॉर्ट का नहीं बल्कि तुम्हारा और मेरा है समीर। चुड़ैल की ऐसी अजीबोगरीब बातें सुनकर समीर और रुबीना बड़े ही हैरान होते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो चुड़ैल उन दोनों के बारे में इतना कुछ कैसे जानती है, इसीलिए समीर उससे एक बार फिर पूछता है, लेकिन तुम हो कौन? मैं पूरे 28 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ समीर। लेकिन तुम हो कौन और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम मेरे राजवीर हो, राजवीर मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी मुंजिया। याद करो उस पल को कि कैसे इस दुनिया वालों ने हमारे प्यार को ठुकराया था। समीर कोई राजवीर नहीं है, ये मेरा पति समीर है। समीर और तुम जो भी हो मेरे पति को छोड़कर चली जाओ। रुबीना की ये बात सुनकर उस चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो रुबीना को अपनी आंखों से इशारा कर दूर पटक देती है। ये देख समीर बेहद डर जाता है। मुंजिया मुझे कुछ याद नहीं, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। समीर आगे कुछ बोल पाता उससे पहले मुंजिया उसके करीब आ जाती है और एक मामूली सी लड़की बन जाती है, जिसके बाद वो समीर का हाथ पकड़ती है और उसे सब कुछ याद आने लगता है। मुंजिया और राजवीर एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जब राजवीर की फैमिली को ये पता लगा कि मुंजिया उसके घर की नौकरानी की बेटी है, तो उन लोगों ने मुंजिया को जिंदा जला दिया था। मुंजिया को खुद के सामने जलता देख राजवीर उसकी मौत बर्दाश्त नहीं कर सका और उसकी मौत के गम में अपने प्राण भी त्याग देता है। मुझे सब कुछ याद आ गया मुंजिया, मुझे याद आ गया कि किस तरह इन दुष्ट लोगों ने हम दोनों को एक दूसरे से अलग किया। लेकिन मुंजिया इसमें रुबीना की कोई गलती नहीं है। मेरा पुनर्जन्म भले ही हुआ है, लेकिन इस पुनर्जन्म में मैं तुम्हारा नहीं बल्कि रुबीना का हूँ। राजवीर तुम्हारे साथ ही मर चुका था मुंजिया, इसलिए रुबीना का समीर उसे लौटा दो। समीर की बात सुनकर मुंजिया को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में रुबीना की तरफ देख अपने हाथ की मुट्ठी को कस के दबाती है और इसी दौरान रुबीना का शरीर तपने लगता है। रुबीना दर्द से चिल्लाने लगती है। उसका दर्द देख समीर रोते हुए मुंजिया से कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ मुंजिया, लेकिन उससे पहले मुझे बस एक बार अपनी पत्नी से मिलना है, उसे गले लगाना है। समीर की बात सुनकर मुंजिया रुबीना को छोड़ देती है। इसके बाद समीर रुबीना को गले लगाता है। समीर और रुबीना एक दूसरे के लिए फूट फूट कर रो रहे थे। समीर का सैक्रिफाइस देख मुंजिया थोड़ी इमोशनल हो जाती है और वो समीर को लिए बिना ही वहां से गायब हो जाती है। अपने आसपास मुंजिया को ना देख समीर और रुबीना समझ जाते हैं कि मुंजिया वहां से जा चुकी है और इस तरह समीर और रुबीना वहां से अगली सुबह निकल जाते हैं। वो वहां से निकल तो जाते हैं लेकिन बीती रात को वो कभी भूल नहीं पाते। अर्जुन की शादी को लगभग 10 साल बीत चुके थे। अपनी शादी के बाद आज पहली बार वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ अपने गांव अपने छोटे भाई की शादी में जा रहा था। देर रात का समय था। ट्रेन में बैठे हुए गांव पहुंचते उन्हें लगभग रात के 12:30 बज चुके थे। पूरा रेलवे स्टेशन किसी मुर्दा घर की तरह बिल्कुल वीरान नजर आ रहा था। वो घर जाने के लिए वहां से टैक्सी ढूंढने लगे। उन्हें दूर दूर तक वहां कोई भी इंसान नजर नहीं आया। रेलवे स्टेशन की ऐसी शांति देखकर वो मन ही मन घबराने लगे कि तभी अचानक उनके सामने एक ऑटो आकर रुका। कहाँ जाना है साहब, मैं छोड़ देता हूँ। ये एकदम से कहाँ से आ गए तुम? अभी जब हमने देखा तो दूर दूर तक यहाँ कोई भी नहीं था। अंधेरा है ना साहब, इसीलिए आपको ऐसा भ्रम हुआ होगा, वरना मैं तो सालों से रात के समय यहीं पर रहता हूँ। ये कहते हुए वो आदमी अर्जुन की ओर देखकर बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुराया। अर्जुन को वो ऑटो वाला कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन इतनी रात गए उसके पास उस ऑटो में बैठने के अलावा और कोई चारा नहीं था। हमें जोलपुर गांव के अंदर ताजी मंडी के पास जाना है। अच्छा तो ठीक है बैठिए, बस अभी पनक झपकते ही पहुंचा देता हूँ। इतना कहकर वो ऑटो वाला बहुत अजीब तरीके से मुस्कुराया और उन तीनों को अपने ऑटो में बैठा कर वहां से ले गया। अर्जुन की नजर जब ऑटो में लगे रियर मिरर पर पड़ी तो उसने देखा कि वो आदमी बड़े ही भयानक तरीके से उन तीनों को घूर रहा है।
और उस आदमी के माथे से खून टपक कर बह रहा है। रियर मिरर में देखते हुए उस आदमी का चेहरा बेहद भयानक हो गया। उसे देखकर अर्जुन के पसीने छूट गए। डर के मारे अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसने जैसे दोबारा अपनी आंखें खोली वैसे ही उस ऑटो वाले का चेहरा बिल्कुल सामान्य हो गया। अर्जुन को लगा कि शायद यह उसका कोई भ्रम है, लेकिन तभी फिर से वो आदमी रियर मिरर में देखते हुए अर्जुन को बेहद शैतानियत भरी नजरों से घूरने लगा। इससे पहले कि अर्जुन उसे कुछ कहता, तभी वो अपने घर के पास पहुंच गए। ऑटो से उतरकर अर्जुन ऑटो वाले को पैसे देने लगा। उसके पास खुले पैसे नहीं थे, तो ऑटो वाले ने उसे बाकी पैसे वापस कर दिए। वो तीनों दूसरी ओर मुड़े ही थे कि तभी अर्जुन ने देखा कि ऑटो वाले ने उसे 50 रुपए ज्यादा दे दिए हैं। वो जैसे ही उसके बाकी पैसे उसे वापस देने के लिए मुड़ा, तो देखा कि पीछे कोई भी नहीं था। अर्जुन और क्रिस्टीना एकदम से घबरा गए, क्योंकि ना तो उन्हें ऑटो स्टार्ट होने की आवाज आई और ना ही दूर दूर तक उन्हें वो ऑटो नजर आया। अर्जुन ने जब ध्यान से उस 50 रुपए के नोट को देखा, तो उसका दिल दहल उठा। उस पर खून से बने अक्षरों में एक चेतावनी लिखी थी कि अब तुम नहीं बचोगे, अपने किए का कर्म तुम अब भोगोगे। अर्जुन ने यह बात क्रिस्टीना को नहीं बताई और वो तीनों अब घर पहुंच गए। घर में आते ही आयान और आनंदिता ने उनका बहुत अच्छा स्वागत किया। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए अर्जुन की मां सो चुकी थी। अर्जुन को तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। इतने सालों बाद अपने भाई बहन से मिलकर वो बहुत खुश था, लेकिन क्रिस्टीना के चेहरे पर एक अलग सी परेशानी थी। उसे अपने शरीर पर हल्का हल्का भारीपन सा महसूस हो रहा था, जैसे कोई उसके शरीर पर हावी हो रहा हो। धीरे धीरे उसकी पलकें भारी होने लगी और वो अर्जुन और अपनी बेटी अलीसा के साथ अपने कमरे में सोने चली गई। सफर में वो बहुत थक चुके थे, इसीलिए बिस्तर पर लेटते ही अर्जुन और अलीसा की आंख लग गई। लेकिन क्रिस्टीना का मन न जाने क्यों बेचैन हो रहा था। उसे बार बार एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए वो पूरी रात ठीक से सो नहीं पाई। अगले दिन जब वो उठी, तो उसके पूरे बदन में एक अजीब सी थकान थी, जैसे वो कई दिनों से बीमार थी। उसके शरीर पर कहीं कहीं नील पड़ने के निशान थे, जैसे किसी ने उसे बहुत ताकत से मारा हो। घर में खुशी का माहौल था। लगभग 20 दिन बाद आयान की शादी थी। शादी के कामों में मदद करवाने के लिए जैसे तैसे क्रिस्टीना तैयार होकर हॉल में आई, लेकिन वहां आते ही वो अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सभी लोग उसे इस हालत में देखकर घबरा गए। उन्होंने डॉक्टर को कॉल की और डॉक्टर ने आकर उसका चेकअप किया। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, अचानक हवा पानी बदलने से इनकी तबीयत खराब हो गई है। मैंने ये दवाइयां लिख दी हैं, एक दो दिन में इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर सबकी जान बचा गई। एक दो दिन बाद क्रिस्टीना अब बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन उसे इस घर में कुछ अजीब एहसास हुआ। उसे हर समय लगता था कि उसके आस पास कोई तो है जो उस पर नजर रखा है। उसे अपने साथ हर समय एक परछाई महसूस होने लगी। शादी के काम करते करते एक दिन वो बहुत थक चुकी थी। उस दिन अर्जुन भी शादी के काम से शहर गया था और अलीसा भी आनंदिता के साथ खेलते खेलते उसके पास ही सो गई। उस रात वो कमरे में अकेली थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे आज नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवटें बदल रही थी। वो अपनी आंखें बंद कर नींद आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग सी शिकन थी। वो बहुत ही घबराई हुई थी कि तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसे लगा कि शायद अर्जुन शहर से वापस आ गए। अरे, बड़ी जल्दी आ गए तुम। मुझे तो लग रहा था कि तुम कल सुबह ही आओगे। क्रिस्टीना को उसकी बात का कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन उसे अपने माथे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। तभी उसने अपनी आंखें खोलकर पीछे मुड़कर देखा, तो वहां कोई नहीं था। डर के मारे उसका बुरा हाल हो गया और उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, तो वहां कोई नहीं था।
डर की वजह से उसके शरीर से अब पसीना टपक रहा था कि तभी उसे अपने पैरों पर किसी के हाथों का एहसास हुआ। उसने जैसे ही सामने देखा तो अचानक उसके पैरों को किसी साय ने बड़ी ही शक्ति के साथ खींचा और वो बिस्तर से नीचे गिर पड़ी। डर के मारे उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वो हिम्मत करके उठी और दरवाजे की तरफ भागने लगी। वो जैसे ही दरवाजा खोलने लगी कि तभी वो काला साया उसके शरीर के अंदर समा गया और वो बेहोश हो गई। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो वो अपने बिस्तर पर थी और अर्जुन उसके माथे पर दवाई लगा रहा था। उसके माथे पर बहुत बड़ा चोट का निशान था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसके सर को दीवार में दे मारा हो। कुछ देर बाद अर्जुन भी वहां से चला गया। अर्जुन के वहां से जाते ही क्रिस्टीना की आंख लग गई और जब उसकी आंख खुली तो रात हो चुकी थी। क्रिस्टीना ने उठकर खुद को आईने में देखा तो उसे अपने पीछे एक काली परछाई दिखाई दी। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। उसे वो अपना वहम समझकर टालने की कोशिश करने लगी और वो फिर से बड़े ही ध्यान से आईने में खुद को देखने लगी कि तभी अचानक बहुत ही तेज आवाज के साथ आईना टूटकर चकनाचूर हो गया और कांच के टुकड़े क्रिस्टीना के शरीर में जाकर घुस गए। दर्द के मारे उसके मुंह से भयंकर चीख निकली। सभी लोग भागते हुए वहां आए और क्रिस्टीना की हालत देखकर सभी बहुत घबरा गए। तभी क्रिस्टीना बहुत जोर जोर से हंसने लगी और खून से लथपथ शरीर के साथ अपने नाखूनों से दीवार को खुरचने लगी। उसकी उंगलियों से लगातार खून बह रहा था। उसका पूरा शरीर बुरी तरह से जख्मी था। उसे इस हालात में देखकर सभी घर वाले बहुत बुरी तरह डर चुके थे। वो समझ चुके थे कि क्रिस्टीना के शरीर पर किसी शैतान ने कब्जा कर लिया है, इसलिए उन्होंने देर न करते हुए गांव के तांत्रिक बाबा को बुलाया। बाबा को अपने सामने देखते ही क्रिस्टीना बुरी तरह बौखला गई और इधर उधर भागने लगी। तभी बाबा ने मंत्रों से अभिषिक्त जल को उसके शरीर पर छिड़का तो वो नीचे जमीन पर गिर गई। कौन है तू और क्यों परेशान कर रही है इस बच्ची को? नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी मैं कभी नहीं। इसे तो मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी, तुम सब कुछ नहीं कर पाओगे। वो आत्मा देखने में बहुत ही शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी, इसलिए बाबा ने उस पर काबू पाने के लिए अपने झोले से विभूति निकाली और कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसके शरीर पर उस विभूति को छिड़का। उस विभूति का स्पर्श होते ही क्रिस्टीना का शरीर बुरी तरह तड़पने लगा, जैसे उसके शरीर को कोई जला रहा। छोड़ दो मुझे। जब तक तू ये नहीं बता देती कि तू कौन है, मैं तुझे यहाँ से नहीं जाने दूंगा। इसी तरह तड़पती रहेगी तू। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई, भेजा गया है मुझे यहाँ, आदेश मिला है मुझे इसे खत्म करने का। भेजा गया है तुझे तो बता किसके कहने पर तू आई यहाँ? तंत्र किया है उसने इस पर, इसके बालों को काट कर तंत्र किया है। नाम बता उसका, कौन है वो? नहीं बता सकती, आदेश है उसका। उसके इतना कहते ही बाबा ने फिर से उस पर विभूति का छिड़काव किया। तभी क्रिस्टीना का शरीर बुरी तरह तड़प गया। बता किसने आदेश दिया है तुझे? वो इसी घर का सदस्य है, इसी घर का। क्या कहा? इस घर का सदस्य? लेकिन कौन? मैं नाम नहीं बता सकती, लेकिन वो इस समय भी शमशान में बैठकर अपनी तंत्र क्रिया कर रहा है। अगर उसने उस तंत्र क्रिया को पूर्ण कर लिया तो तुम सब में से कोई भी इसे नहीं बचा पाएगा। इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। इतना सुनते ही अर्जुन बाबा के साथ शमशान घाट पहुंचा, जहां का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। उसकी छोटी बहन अनंतिता शमशान घाट के बीचों बीच बैठकर तंत्र क्रिया कर रही थी। उसके हाथ में एक गुड़िया थी जिस पर किसी के बाल लिपटे हुए थे। वो उस गुड़िया पर लगातार नर कंकाल की हड्डियों से तंत्र कर रही थी कि तभी बाबा ने
अपने कमंडल का अभिमंत्रित जल उसकी ओर चढ़ा और यज्ञ कुंड में चल रही अग्नि शांत हो गई। उसके हाथ से वो गुड़िया छूटकर नीचे गिर गई। उसने नजर उठाकर देखा तो उसके सामने अर्जुन और तांत्रिक बाबा खड़े थे। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, वो बैठी हुई अचानक बेसुध होकर जमीन पर गिर गई। वो मर चुकी थी। यज्ञ पूर्ण न होने की वजह से शैतान को क्रिस्टीना का शरीर छोड़ना पड़ा, लेकिन शैतान को बुलाने की कीमत अनंतिता को चुकानी पड़ी। दरअसल 10 साल पहले अर्जुन ने दूसरे धर्म की लड़की क्रिस्टीना से अपने माँ पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर भागकर शादी की थी। समाज क्या कहेगा, इस चिंता के चलते एक दिन अर्जुन के पिता चल बसे और ये देखकर उसकी माँ की मानसिक स्थिति भी बिगड़ गई। अनंदिता अपने पिता की मौत और अपनी माँ की इस हालत का जिम्मेदार क्रिस्टीना को मानती थी। इस बदले की आग में वो पिछले 10 सालों से जलती आ रही थी और इसीलिए इतने सालों से बिना एक बार भी बात किए उसने आयान की शादी के बहाने उन्हें गांव में बुलाया था ताकि वो क्रिस्टीना पर तंत्र करके उससे बदला ले सके। क्रिस्टीना निर्दोष थी, लेकिन अनंदिता की बदले की भावना ने आज उससे उसकी जिंदगी को ही छीन लिया था। एक हवेली में लड़का वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, तभी आत्मा अचानक ही उस लड़के के करीब आ जाती है और उसके गले पर अपने नाखून मार देती है। उस लड़के के गले पर गहरे नाखून के निशान थे। वो लड़का अपने गले को पकड़कर एक बार फिर भागने की कोशिश करता है। कोई है, मेरी हेल्प करो। कौन हो तुम और मुझे क्यों मार रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो लड़का आगे कुछ बोल पाता तभी वो आत्मा उसके सीने पर चढ़ जाती है और उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देती है। वो आत्मा उस लड़के को क्यों मारना चाह रही थी, चलिए जानते हैं कहानी में। पुलकित फोन में अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को चेक करते हुए अपनी दोस्त निशा से कहता है, यार न जाने मैं कब इन लोगों की तरफ फेमस होऊंगा। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, इंस्टाग्राम में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ यूनिक करना पड़ता है जो तेरे बस की नहीं है, क्योंकि तेरे अंदर तो टैलेंट ही नहीं है। ऐसा मत बोल निशा यार, मैं वो कर सकता हूँ जो तू सोच भी नहीं सकती। और तू देख लियो, एक दिन मैं अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को अपनी तरफ ऐसे खींचूंगा जैसे शहद की तरफ मधुमक्खियाँ आकर्षित होती है। अच्छा चल ठीक है, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। बेस्ट ऑफ लक। पुलकित के इंस्टाग्राम पर 3,000 फॉलोअर्स थे और वो चाहता था कि उसके इंस्टाग्राम पर अच्छे खासे फॉलोअर्स आ जाए। इसके लिए वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर भूतिया जगह पर जाकर भूतिया वीडियो बनाने की सोचता है। अमन देख, मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ मेरी भूतिया वीडियो में भूत बनकर वीडियो शूट करवाए ताकि हमारे इंस्टाग्राम पर अच्छे खासे फॉलोअर्स आए, हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, तू कहता है तो हम ये कर लेते हैं, लेकिन तुझे क्या लगता है इससे हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स बढ़ेंगे? 100% बढ़ेंगे यार, तू देख लेना। बस अभी हमें अपनी भूतिया वीडियो को इतनी डरावनी रखनी है कि देखने वाले की रूह कांप जाए। अब अगले ही दिन पुलकित और उसका दोस्त अमन एक खंडर में पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के थोड़ी देर बाद पुलकित लोगों को वो जगह दिखा रहा होता है, तभी उसका दोस्त अमन भूत के गेटअप में उसके पीछे से गुजरता है, जिसे देखकर पुलकित अपने ऑडियंस को बताता है, देखा गाइस, अभी अभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे से कोई गया है। ये जगह काफी डरावनी है और मुझे भी यहाँ काफी डर लग रहा है, लेकिन मैंने हिम्मत बांध रखी है क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ क्या है। कुछ देर तक पुलकित उस खंडर जगह और अपने दोस्त के भूतिया गेटअप को दिखाकर लोगों को बेवकूफ बना देता है। उनकी उस वीडियो पर काफी अच्छे व्यूज आते हैं और लोग उस वीडियो को शेयर कर रहे होते हैं और कमेंट से कमेंट सेक्शन भर चुका होता है। तभी पुलकित अपने दोस्त अमन से कहता है, मैंने कहा था ना हमारी भूतिया वीडियो चलेगी, और देख हमारी भूतिया वीडियो ने तो कमाल ही कर दिया। सच में यार, वैसे मैं सच में भूत लग रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं से भूत आ गया हो, मजा ही आ गया। तुम दोनों लोगों को कुछ दिन तक तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन ऑडियंस भी इतनी मूर्ख नहीं है। अरे तो चुप रह, इस बार हम किसी ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ जाने पर लोग डर से थर थर कांप जाए। उमेदपुर के आसपास वाली जगह पर भी तुम लोग वीडियो शूट करने जा सकते हो, वे भी जगह पहाड़ी है,
वहाँ पर लोगों का जाना भी ना के बराबर है। खैर, बेस्ट ऑफ लक, तुम्हारी आने वाली आगे की वीडियो अच्छी हो। अभी तो ये हमारी पहली सफलता है, हमें और आगे जाना है, इसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ पुलकित, तो सही कह रहा है, इस बार हम निशा को चुड़ैल बनाएंगे। क्यों निशा, तू हमारे वीडियो में चुड़ैल बनने के लिए तैयार है ना? आइडिया तो अच्छा है, क्यों निशा तू हमारे वीडियो में डरावनी चुड़ैल का गेटअप लेगी? ठीक है, तुम लोग कहते हो तो मैं तुम्हारी एक वीडियो में आत्मा बन जाती हूँ या फिर चुड़ैल। वैसे मैं किसी परी से कम नहीं हूँ। तुम मुझे अपनी वीडियो में परी भी बना सकते हो। अरे तू भूल रही है क्या, ये भूतिया वीडियो है जिसमें भूत प्रेत चुड़ैल आत्मा दिखाई देते हैं, न कि एंजल परिया दिखाई देगी। बढ़िया ही पापा की परी बनने। ऐसे ही समय बीत रहा था। पुलकित, अमन और निशा तीनों ही मिलकर भूतिया वीडियो पर काम करते और उनमें खुद भूत बनकर लोगों को ऐसे दिखाते कि वो एक ऐसी जगह पर गए हैं जहां उन्हें भूत दिखा और वो सभी खंडर वाली जगह पर वीडियो बनाया करते। ऐसे कुछ समय बीतता है, लोगों को भी उनकी वीडियो पसंद आने लगती है और करीब 1 से 2 महीने बाद ही पुलकित के फॉलोअर्स अब 1 मिलियन हो जाते हैं। पुलकित, अमन और निशा सब बहुत खुश थे। हमारी मेहनत रंग लाई, लेकिन अब हमें बहुत सावधानी से वीडियो बनानी है, क्योंकि कई कमेंट मैंने देखे हैं जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि हमारी वीडियो फेक है। अरे पॉजिटिव कमेंट के साथ नेगेटिव कमेंट भी आते ही है यार, तू इतना सोच मत, सब अच्छा होगा। हाँ पुलकित, एकदम सही कह रहा है, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जो बिना बात के कुछ भी बोलते हैं। तीनों खुश थे और इस बार वो तीनों एक बेहद ही डरावने किले में वीडियो बनाने पहुंचते हैं, जिसके लिए पुलकित इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल चुका था। अब उसकी ऑडियंस को उस डरावने किले के भूतिया वीडियो का इंतजार था। यार देख, यहाँ जाना सही नहीं है, मुझे इस किले के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन हम आसपास किसी नॉर्मल खंडर वाली जगह को ये डरावना किला कहकर वीडियो बना लेते हैं। देख, रिस्क नहीं लिया तो जिंदगी में क्या ही किया। पुलकित बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम वहाँ जाएंगे और वहाँ से भूतिया वीडियो रिकॉर्ड करके लाएंगे। इतना कहने के बाद पुलकित, निशा और अमन तीनों कार से निकल जाते हैं। वहाँ पहुँच कर तीनों अपने वीडियो शूट के लिए तैयार होते हैं। निशा और अमन तैयार होने चले जाते हैं, वहीं पुलकित कैमरे की सेटिंग कर रहा होता है, तभी उसके पीछे से किसी के गुजरने की आहट आती है। अमन, तू इतनी जल्दी तैयार हो गया? वैसे मुझे कैमरा सेट करने में थोड़ा सा समय लगेगा। पुलकित के बोलने पर भी उसे किसी का कोई रिप्लाई नहीं आता। अब जब पुलकित पीछे मुड़कर देखता है तो दूर दूर तक कोई नहीं होता। ये देखकर पुलकित खुद से कहता है, इस अमन के बच्चे की डराने की आदत कभी नहीं जाएगी, इसके चक्कर में किसी दिन मैं भी डर के मर जाऊंगा, इससे कितनी बार कहा है कि मुझे डराया ना करे। दूसरी तरफ अमन और निशा भूत के गेटअप में तैयार हो रहे होते हैं। अमन, मुझे ये जगह बहुत डरावनी लग रही है, लेकिन पुलकित मानने को तैयार नहीं था, इसलिए मैंने भी कहा चलो चलते हैं। मुझे भी ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है जैसे अभी यहाँ कोई चलकर आ जाएगा हमारे सामने, अगर ऐसा हुआ तो मैं तो मर ही जाऊंगा यार। अब भला भूत भी भूत से डरने लगे। अरे चुप कर, ये मजाक का समय नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है सचमुच, यहाँ दूर दूर तक सिर्फ वीराने की जगह और कुछ भी नजर नहीं आ रहा इस किले के अलावा, न जाने इस किले में कितनी ही आत्माएं और चुड़ैल घूम रही होगी। हाँ क्यों नहीं, तुझे इस किले के बारे में बहुत ज्ञान है, अब ज्ञान देना बंद कर और चल शूट करके जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। अमन और निशा तैयार हो चुके होते हैं और जैसे ही वो बाहर जाने लगते हैं, वैसे ही उनके पैर को कोई खींच कर एक कमरे में ले जाता है, तो वहीं पुलकित कैमरे को फिट करके लाइव आ जाता है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है और उसे आवाज दे रहा है, पुलकित। उस आवाज को सुनकर तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अमन और निशा ने आज से पहले कभी उसके साथ ऐसा मजाक नहीं किया था। वो डरते हुए पीछे मुड़ता है, जहां वो देखता है कि उसके सामने एक आत्मा हवा में उड़ती हुई उसके करीब आ रही है। बचाओ, आत्मा, आत्मा, कोई तो मुझे बचाओ, अमन निशा कहाँ हो तुम, बचाओ। पुलकित बार बार निशा और अमन को आवाज लगा रहा था, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाले उसके दोस्त उसके पास नहीं आते। पुलकित डर के मारे वहां से भागने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन वो भाग नहीं पाता। तभी वो आत्मा अचानक ही पुलकित के करीब आ जाती है और उसके गले पर अपने नाखून मार देती है। पुलकित के गले पर गहरे नाखून के निशान थे। पुलकित अपने गले को पकड़कर एक बार फिर भागने की कोशिश करता है। कोई है, कोई तो मेरी हेल्प करो। कौन हो तुम और मुझे क्यों मार रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पुलकित आगे कुछ बोल पाता तभी वो आत्मा उसके सीने पर जड़ जाती है और उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देती है। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं और कुछ घंटे बाद जब अमन और निशा को होश आता है तो वो खुद को संभालते हुए बाहर की तरफ जाते हैं जहां वो पुलकित की लाश देखते हैं। पुलकित, निशा, पुलकित को क्या हो गया? पुलकित की लाश देख मानो अमन और निशा के होश उड़ गए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ कुछ ही घंटे में क्या हो गया। पुलकित की लाश देख निशा मानो पागल सी हो गई थी और वो उसकी लाश पकड़कर उसको उठाते हुए कहती है, पुलकित तो कुछ बोलता क्यों नहीं? उठ जा, पुलकित उठ जा, मैं बाहर जाना है। निशा पुलकित को बार बार आवाज लगा रही थी लेकिन भला कोई लाश किसी का जवाब कैसे सुन सकती थी। निशा की ऐसी हालत देख अमन उसको संभालता है। निशा, निशा, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। पुलकित अब हमारे बीच नहीं रहा। अगर हम यहाँ से बाहर नहीं गए तो हम भी पुलकित के जैसे मारे जाएंगे। अमन और निशा जल्दी से कैमरा और अपना सारा सामान गाड़ी में रखते हैं और अमन पुलकित की लाश को उठाता है और उसे भी गाड़ी में रख देता है। तो वही निशा भी हिम्मत करके गाड़ी चलाने लगती है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। हालांकि पुलकित की जान जा चुकी थी पर फिर भी वो अपने दोस्त की लाश उस खंडर में नहीं छोड़ते और अगले दिन वो उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन उस रात हुआ क्या था बस यही जानने के लिए निशा और अमन अपने चैनल पर पुलकित की वीडियो देखते हैं जिसमें एक आत्मा पुलकित के पीछे से गुजरती है। उसके कुछ ही देर बाद वो आत्मा फिर से पुलकित के पास आती है और उसको बेरहमी से मौत के घाट उतार देती है। ये क्या था? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब कैमरे में कैद हो गया और लाइव अपलोड भी हो गया। मैंने पुलकित को पहले ही कहा था इस खंडर में जाना सही नहीं है, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी जो हमने शूट नहीं किया। अगर हम पुलकित की जगह शूट कर रहे होते तो शायद आज हम भी पुलकित की तरह। पर काश वो हमारी बात मान लेता तो आज वो जिंदा होता। लेकिन उसने हमारी बात न मानकर अपनी मौत को खुद दावत दी। आज के बाद से हम ऐसे वीडियो नहीं बनाएंगे। नहीं चाहिए मुझे फॉलोअर्स, मैं ऐसे ही खुश हूँ। पुलकित ने तो अपनी जान गंवा ली लेकिन मैं अपनी जान नहीं गंवा सकता। हाँ अमन, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब निशा और अमन उस चैनल को डिलीट करने की कोशिश करते हैं पर जैसे ही वो इंस्टाग्राम खोलते हैं वीडियो अपने आप चलने लगती है और वही चुड़ैल फोन में ही उन दोनों के सामने आ जाती है जिसने पुलकित को मारा था। अगर तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है तो इस पेज को कभी बंद मत करना वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे दोस्त का हुआ था। अब ये इंस्टाग्राम पेज मेरा नया घर है। ये सब देखकर अमन और निशा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनके हाथों से फोन छूट जाता है और फोन नीचे जमीन पर गिरते ही एक बार फिर से वही वीडियो चालू हो जाती है जिसमें पुलकित की हत्या हुई थी। उस वीडियो को देखकर एक बार फिर निशा और अमन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता आखिर हो क्या रहा है पर वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए उस फोन को स्विच ऑफ करके कहीं दूर फेंक देते हैं और फिर कभी भी उस पेज को ना तो खोल कर देखते हैं और ना ही उसके बारे में कभी बात करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।